हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो पिछले साल के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिस्ट्री के बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपके एग्ज़ाम में जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार एग्ज़ाम में टकराते हैं और किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम में लिखना है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि ड्यू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री का जो है पिछले साल का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 BCE। यानी कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है और DU के रेगुलर कॉलेज के छात्रों के लिए जो है ये 75 नंबर का क्वेश्चन आता है और अगर NCVAP के छात्र हैं तो भी जो है आपको 75 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप स्कूल ऑफ अपर लर्निंग यानी कि SOL के छात्र हैं तो पूरे 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना तो असाइनमेंट होते हैं और ना ही अटेंडेंस के नंबर जोड़े जाते हैं। तो इसलिए जो है आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो है पूरे 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ कि इस प्रश्न पत्र पर उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है एक ही होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी भाषा में दे सकते हैं, हिंदी या फिर चाहे इंग्लिश में, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको जो है एक ही भाषा में करने होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो सामान्य हैं। यानी कि सभी प्रश्नों के अंक जो है आपको सामान्य मिलेगा और कोई भी जो है आप 5 प्रश्न के उत्तर जो है आप दे सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है उसका जो है दे सकते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विवेचन कीजिए। यानी कि प्राचीन भारतीय का जो इतिहास रहा है उसके भौगोलिक कारक का जो है अपने भाषा में आपको जो है यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है भौगोलिक कारक क्या रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का, वो जो है आपको टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लेना है। जब भी आप पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल, अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है या फिर नोट्स अगर पढ़ा है तो इसके बारे में आप अच्छे खासे जो है 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन जो है आपको आंसर जो है इसका कम से कम 4 से 5 पेज में लिखे और अच्छे साफ सुथरे जो है राइटिंग में लिखे, ताकि आप जब टीचर चेक करेंगे तो आपको जो है अच्छा नंबर दे पाएँ, आपका नंबर जो है वो काट नहीं पाए, चाहे आप जो है कम ही क्यों ना लिखे हो या फिर जो है आपने जो है अपने भाषा में ही क्यों ना लिखा हो। अब हम दूसरे पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर आकलन कीजिए। यानी कि इसमें जो है प्राचीन भारत का जो इतिहास पुनर्रचना यानी कि जो लिखा गया है उसको जो है विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का जो है आकलन करना, यानी कि किस किस स्रोत से जो है इतिहास जो है लिखा गया है, ये आपको जो है पूरा विवेचन करना है। आप जो पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, अगर आप हल्का सा भी जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जो है अच्छे से मालूम चल जाएगा कि किस तरह से आपको जो है लिखना है। तो इस टॉपिक को जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार टकरा जाता है। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो पाए और आप अच्छे से जो है आप लिख पाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो है कम से कम 4 से 5 पेज में ही देना है, क्योंकि अगर आप SOL के छात्र हैं तो आपको जो है 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। भारत की पुरापाषाण मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है पुरापाषाण संस्कृति की जो विशेषता रहा है उसको जो है अपने भाषा में लिखना है, या फिर आप जो है स्टडी मटेरियल या फिर जो बुक पढ़ा होगा या फिर नोट्स पढ़ा होगा उसमें जो है इस टॉपिक के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे खासे जो है इसमें दिया हुआ है, आप जो है वहाँ से जो है अच्छे से जो है यहाँ बना के भी जो है आप खुद से जो है लिख सकते हो। तो आपको जो है कम से कम 4 से 5 पेज में इसको लिखना है, तो ये जो है ध्यान जरूर रखिएगा। भारत की नवपाषाण संस्कृति में क्षेत्रीय विवरण तथा विशिष्ट लक्षणों का जो है परीक्षण करना है। तो आपको ये भी जो है आप इस टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे नोट्स में या फिर बुक में तो आप जो है अच्छे से जो है यहाँ पे अपने भाषा में लिख सकते हैं। बाकी 5वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक बार जो है टकराता है। तो ये आप जो है अच्छे से जो है इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है लिखने में कोई दिक्कत ना हो। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। अगर आपने 12th में आर्ट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है 12th में भी पूछा गया था और ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जा रहा है और अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो इसको लेके जो है पूछा ही जाता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ ले और भी जो है रट ले, ताकि आप जब एग्जाम में लिखने के लिए बैठेंगे तो अच्छे से टॉपिक के माध्यम से जो है अच्छे से विस्तार से जो है लिख पाएंगे और आपको जो है इसमें जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिल पाएगा।
तो इसी तरह से आपको जो है लिखना है। बाकी छठे पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं कला पर विस्तृत लेख लिखिए। तो इसमें जो है विस्तृत लेख लिखना है, यानी कि आप जो है 5-6 पेज में आप अच्छे से इसको जो है लिख दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में धर्म एवं कला पे जो है आपको लिखना है। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वो पूरी जो है अच्छे से आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आप 7वें नंबर पे चलते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। या इसमें जो है आपको विश्लेषण करना है प्रारंभिक समय में जो वैदिक काल का जो है राजनीति क्या क्या रहा है, यानी कि किस तरह से जो है दिखाया गया, जैसे कि उसमें कई तरह के जो है डिबेट हैं। इसमें आपको जो है ये पढ़ना होगा क्वेश्चन, तभी आपको जो है समझ में आएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू जो है आपको नहीं समझा पाऊंगा ठीक से, तो आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। बौद्ध व जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएँ क्या थी, विवेचना कीजिए। तो ये भी जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है हर एक बार लगभग जो है टकराता है इससे रिलेटेड। तो आप जो है इसको जो है अच्छे से लिख लीजिएगा कि बौद्ध और जैन धर्म की जो है मुख्य शिक्षाएँ क्या थी। तो यही आप कुछ। बाकी 9 नंबर पे जो है, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो ये भी जो है आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी 10वें नंबर पे चलें, तो इसमें जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि इसमें जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है आपको ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो कोई पे भी जो है आप 2.5 से 3 पेज में आप टिप्पणी जो है लिख सकते हैं, और इसमें आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाता है। साहित्य स्रोत, यानी कि आपको अगर साहित्य स्रोत के ऊपर में लिखना है तो 2.5 से 3 पेज में लिख सकते हैं। बाकी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापाषाण ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, और वैदिक धर्म जो है, ये तीनों मुझे लगता है बी सी और डी जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको टकराएगा ही एग्जाम में। बाकी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देख सकते हैं ये भी जो है सेम ही है। तो हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जिस तरह से आपने जो है पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पे चर्चा किया था उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, तो आपको जो है उसी इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेना है, ताकि आपको जो है इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से मालूम चल पाए और अच्छे से आप जो है लिख पाएंगे। बाकी दूसरा जो है पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यानी कि सेम ही लगभग क्वेश्चन है, हल्का फुल्का जो है चेंजिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार टकराते हैं, तो ये जो है आपको ध्यान रख लेना है, और इसी क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। भारत में खाद्य उत्पादन के प्रारंभ एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए। ये थोड़ा हटके है, तो आप इसको जब इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, खाद्य उत्पादन का जो आरंभ हुआ था वो जो है किस तरह से, मतलब इसमें जो है पूरे निबंध लिखना है अपने भाषाओं में, तो इसके बारे में आप जो है अच्छे खासे लिख सकते हैं। हड़प्पा के बारे में आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर जो है 2-3 क्वेश्चन ज़रूर टकराते हैं, तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारणों का जो है वर्णन आपको लिखना है यहाँ पे, कि हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी और पतन जो है, उत्पत्ति के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा, लेकिन पतन के कारण में जो है कई तरह के डिबेट हैं, बहुत सारे आपदा के कारण जो है बताया जाता है, दूसरे राजाओं का जो है हमला बताया जाता है, और भी कई कारण जो है बताया जाता है। जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आप, तो अच्छे से आपको जो है पता चल पाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपको जो है पहले भी देखने को मिला था, और ये देख सकते हैं बार बार जो टकरा रहा है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है इसको जो है अच्छे से तैयारी कर लेना है। ऋग्वेद में प्रतिबंधित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है प्रबंधित जो है सामाजिक एवं तथा जो है राजनीतिक व्यवस्था जो था उस पर जो है आपको वर्णन करना है। उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में आए परिवर्तनों का जो है विवेचन करना है। तो ये जो है अपने भाषा में आप जो है इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आप बुक से रिलेटेड भाषा में लिखना चाहें तो भी जो है अच्छा ही रहेगा, और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 8वां जो है क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। इसमें आपको जो है क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, तो इस कारणों का जो है आपको डिटेल में लिखना है। ये जो है आप अपने भाषा में भी जो है अच्छे लिख सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो है पूरे का पूरा नंबर जो है आपको मिल जाता है, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको पता होता है ठीक से।
तो आप जो है अच्छे से लिख सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी जो है आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी नौवां जो है 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी जो है ये टकराया था और ये बार बार टकरा रहा है, तो ये भी जो है आप देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करना है आपको। हर एक क्वेश्चन पे जो है कम से कम जो है 4 से 5 पे जरूर आंसर देना है। बाकी ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो है कम आपको लिखना होता है, तो इसमें कम से कम आप जो है 2.5 से 3 पेज या फिर 2 पेज में भी जो है काम चल रहा है। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो 2 पेज भी जो है ठीक है, आप अच्छे से इस पे जो है लिख दें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साहित्य स्रोत, यानी कि साहित्य स्रोत पे लिखना है, शैल कला पे लिखना है, ताम्रपाषाण संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और महापाषाण इसको भी जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है पूरा डिटेल में जो है पता चल पाए। तो दोस्तों यही था, आपको और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यही है, जो बीए प्रोग्राम के छात्र हैं उन्हें जो है अच्छे से लिखना है। अगर आप साफ साफ भाषा में लिखते हैं, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते हैं, तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है और आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जो है अच्छे से जो है, अगर आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो है कम से कम जो है 4 से 5 पे जरूर लिखना चाहिए, और आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना चाहिए ताकि आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल पाएगा। बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड या फिर और भी किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाए वो भी जो है हमें कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।